बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या दोस्तों, ठीक हो वालो खैरियत है? अच्छा दोस्तों, मेरा नाम कैसर महमूद है, मेरा तल्लक ज़िला जेलम नाल है, अगर एक छोटा सा गाँव टॉक माला। 2002 जो मैं पहली दफ़ा कार तो निकले आया काम वास्ते, पहला काम मैं जनाब एफटेन मरकज़ कराची पान कार्नर तक किया। उसने मेरी सैलरी लगी सी 1000 रुपया। 1000 रुपये कम करने का मकसद ये कि मैं उतने काम सीख लवा। कम की चीज़ सी, किस चीज़ ना सी, कम पान सीखना सी, फ्रेश पान बनाने से मिठा तम्बाकू वाले हर किस्म का पान, 50-60 किस्म का पान बनना सी। वो काम सीखा सी, उस नाल फिर जूस का काम सी, फ्रेश जूस पाइनएप्पल एप्पल स्ट्रॉबेरी मतलब काफ़ी जूस ऑरेंज हर किस्म का जूस, जितने जूस फ्रेश जूस ने काम सीखा। उस नाल फिर उस जो जगह से उस जगह नाल जगह सिस्टम बनया सी, उत्थे बर्गर ना सी, चिकन बर्गर बीफ बर्गर इस तरह सारे बर्गर जड़े उत्थे बनने सर, वो भी काम नाल सीखा। फिर उस तो बाद नाल ही रोल पराठे ने काम सीखा, चिकन रोल पराठा, बीफ रोल पराठे, बिहारी रोल पराठा इस तरह ना उसने काम सीखा। नाल चाट ना काम सी, वो चाट ना काम सीखा। ये काम सारे सीखने च टाइम जो गुजर है वो 5 साल गुजरे, एक्सपीरियंस की 5 साल। उस तो बाद फिर मैं काम जो अपना शुरू किया, पहला मैं अपना ठिया लाया एफटेन मरकज़ चो, और मेरा ठिया जनाब सीढ़ी आई चाक लै गए। उतों बाल करने करने 2-3 महीने लगे मैं बाल करा लिया। पहला मैं ठिया लाया सी, जूस ना लाया सी। फिर मैं ठिया जब वापस लेके आया, फिर मेरे को मशीन सारिया वापस को नहीं मिली। फिर मैं नाल ही उत्थे फिर दोबारा एक और जगह नाल मलिक प्लाजा एफटेन मरकज़ उत्थे मैं फिर फ्रेश लेमन सोडा लाया। माशाल्लाह मेरा काफ़ी चलिया। फिर लोगों दुकाना लिया का पिछड़ा कंप्लेन की इसने काम ज़्यादा चल गया, वो भी मेरा ठिया जनाब पटाया गया। उस तो बाद फिर मैं एफटेन चो दुकान ली, दुकान लैके उस विच फिर मैं जूस ना काम किया। आज ही उस दुकान ना किराया इस टाइम ते 1 लाख रुपये है। मैं जिस टाइम मेरे को दुकान सी उस ना किराया 5-7 हज़ार रुपये तक सी। बस कोई वजह तो मैं वो दुकान सेल कर छोड़ी। आज वो दुकान अलहमदिल्ला 1 लाख रुपया किराया मारक ले रहा उस दुकान ना, और बहुत ज़्यादा बिजनेस चमके है। गल करने का मकसद ये है कि इंसान कोशिश करना है कामयाब वो ही होना है जिसकी अल्लाह पाक चाहे। इस जो मैं ना आख सकना कि यार मैं गया है मैं काम नहीं किया, अलहमदिल्ला काम किया है, और सुबह 8 तो लेकर रात 2 बजे तक काम किया है, और शौक नाल काम किया है। काम सीखना है, सीख के फिर अपना करना है। काम सीखिया शौक नाल है, फिर अपना किया भी है, लेकिन नुकसान। एक टाइम ये इस्लामाबाद आ गया सी कि मैं हर सैक्टर च मैं रखिया सी, मतलब जूस सेंटर एफटेन मरकज़ सी, कराची कंपनी सी, G11 मरकज़ सी, F11 मरकज़ सी, इन्हें तो मैं सारे ठिए लाए, और फिर वो CDA ठिए सारे मेरे पुटा दिते। काफ़ी नुकसान होया, फिर मोड़ के मैं जनाब छोड़ के सारा कुछ रोड राड़ के फिर मैं गाँव आ गया। लेकिन हार नहीं मनी, फिर मैं चला गया, फिर दोबारा जाकर मैं रेडी तो स्टार्ट किया अलहमदिल्ला। फिर मैं ठिया लाया, ठिया ला के मैं G11 मरकज़ चो मतलब जूस सेंटर फिर ना रख के मैं अपना ठिया जोड़ा है वो चलाया G11 मरकज़ चो। फिर 3 साल मैं ठिया चलाया और अलहमदिल्ला अच्छा खासा कारोबार सी। फिर मसला वही आ गया कि सीढ़िया तंग करें रोज़ ठिया चाक लै जाए, वो भी फिर मैं कि बेचना पिया। फिर मैं एक दुकान और बढ़ाई जूस ने मेरा भातीज, वो दुकान कुछ अर्सा चली लेकिन मालिक फिर वो दुकान वो भी खाली करा दी। गल करने का मकसद ये है कि मैं आज तक अपनी हार नहीं मनी, काम तो काम करना रहा लेकिन नुकसान होना रहा है, कुछ फायदा होया नुकसान होया, कोई मालिक वजह तो खाली दुकान करा ली है, कोई मेरी गलती ने वजह तो दुकान फ्लॉप हो गई। इस तरह करने करना काफ़ी नुकसान होया। मैं आज आपकी तस्वीर देखी है 20 साल पुरानी, तो मैं चलो मैं अपने दोस्तों ने शेयर कर लवा वो तस्वीर, इंशाल्लाह मैं थोड़ी दिखाना काफ़ी लड़का ना मेरे की
तस्वीर वो बनाई है, वो 2002 की तस्वीर F10 मरकज दी।